हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए, आप सभी के लिए फिर एक रिक्वायरमेंट का अपडेट्स लेकर आया हूँ, आपको कुछ बताने आया हूँ। देखिए, नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसने पोस्ट निकाली है, वैकेंसी है, इन्होंने निकाला है डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, ये जो पोस्ट निकली है, ठीक है, बहुत ही अच्छी पोस्ट। और नाबार्ड तो ब्रांड ही है जी, इसके बारे में क्या ही बताएं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो इसका अप्लाई डेट और इसका सब प्रोसेस जान लेते हैं कि आप किस तरह से आप में घर बैठे मोबाइल में आप डाल सकते हो और ऑनलाइन एग्ज़ाम दिला सकते हो, ठीक है। देखिए, जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट नाबार्ड का, उसमें आपको 15 सितंबर से ये स्टार्ट हो गया है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, ठीक है। जो 10 अक्टूबर माने कि आज 9 अक्टूबर है, तो कल इसका लास्ट डेट है, कल आप इसको कल तक इसको भर सकते हो, ठीक है, 10 अक्टूबर से पहले। तो ज़रूरी डालें, ST SC वाले बहुत ही नाक के बराबर इसका फीस है और बहुत ही अच्छी ये जॉब है, वैकेंसी है, आप लोग ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और इसका बता रहा है कि ये फेज़ वन इसका एग्ज़ाम भी 6 नवंबर को होगा कह रहा है, प्रिलिमिनरी का और मेंस का आपका बताया जाएगा बाद में, कहा थे वेबसाइट में पता चलेगा कहा थे। चलो ठीक है, अब आगे नोटिफिकेशन में चलते हैं। देखिए, ये पोस्ट ऑफ वैकेंसी का डिटेल दे दिया है, स्टेज बाय स्टेट, स्टेट हर स्टेट का टोटल एक साथ दिखाना चाहूँगा। देखिए, हाँ अच्छे से देख लीजिए वीडियो पुश करके, ये जो है SC ST OBC जनरल और PWBD, मतलब समझ रहे हो, एक्स सर्विस है, सेना वाले और SC ST OBC जनरल और जो हैंडीकैप हैं उन सभी के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए टोटल देखा जाए तो 173 पोस्ट है, और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए जो कितने पोस्ट है यहाँ पर आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, इतना देख लीजिए, वीडियो शॉर्ट बनाएंगे और एकदम कंटेंट फुल, जानकारी फुल बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग ये सब चीज़ बातें हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, देन मैं सीधा काम के बातें में चला जाता हूँ। हाँ, ये जो मैं स्लाइड कर रहा हूँ, ये सब डिटेल दिया है, फिजिकल हैंडीकेप का क्या क्राइटेरिया कैटेगरी रहनी चाहिए, क्या क्या कितनी परसेंट तक उनको लिया जा गया, सब चीज़ है, उसको आराम से आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ये भी वो वही है बाकी। हाँ, यहाँ पे ये काम का चीज़ है, देखिए ये काम के चीज़ में देखिए, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट SC हैं, ST हैं, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्स मिलेगा, ठीक है, और आप OBC हैं तो 3 साल का मिलेगा, और आपको 10 साल का मिलेगा PWD वाले जनरल हैं तो, और 13 साल मिलेगा आपका हैंडीकैप वाले हैं तो OBC वाले को, और 15 साल मिलेगा SC ST को अगर वो फिजिकल हैंडीकैप हैं तो, ठीक है। एक्स सर्विस वाले को तो बातें मत करो, फिर उन लोग का बहुत ज़्यादा सूट रहता है। अब चलो और अन्य बातें में क्वालिफ़िकेशन मांग लेते हैं। तो बैचलर डिग्री मांग रहा है आपका 50% मार्क्स या परसेंट के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप का BSc हो जाना चाहिए, बैचलर डिग्री UG आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी उसके लिए भी वही मंगा है, ठीक है, BSc मांग रहा है यहाँ पे। हाँ, और चलते हैं, देखिए यहाँ पे सिलेबस है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, देखिए इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जी, 100 क्वेश्चन आएंगे, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 60 मिनट, बस देख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 23 क्वेश्चन आएंगे, आपके टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे, ये हो गए 100 क्वेश्चन। मेंस में आपका क्या आने वाला है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन, जनरल MRS विथ स्पेशल रेफरेंस फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन, और आपका टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव, अरे दादा देख रहे हो,
आपका ये जो मेंस होगा वो 200 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको टाइपिंग पूरी लिखना है, डिस्क्राइब लिख करना है, और बाकी जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 150 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आई थिंक आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका डेवलपमेंट असिस्टेंट, और हिंदी का सिलेबस जो है ये है जो कि सेम है। चलिए और चलते हैं नीचे, और आपका इम्पोर्टेंट बात में हम लोग कहे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, देखिए जब आपका प्रीलिमिन्स रहेगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसके आम को एम को आपका फाइनल लिस्ट में, फाइनल रिजल्ट में आपका, ठीक है, पोस्ट। तो इसमें आपका क्या होगा, मेंस होगा, मेंस में जो होगा आपका, ठीक है, उस मेंस के एग्जामिनेशन जो है उसी के मार्क्स को ऐड किया जाएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे और नीचे चले जाते हैं भाई, इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे स्केल देखिए, इसका बेसिक स्टार्टिंग पे जो पोस्ट है वो 14,650 रुपया प्रति मंथ से स्टार्ट होगा, इंक्लूडिंग टू एडवांस इंक्रीमेंटल। इसको पढ़ लीजिए भाई आप आराम से, पूछ करके वीडियो, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आप आराम से, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड हो गया, ठीक है। सिलेक्शन एग्जाम सिटी हो गया भाई, एकदम इजी है, मोबाइल से भर सकते हो सब चीज़ वीडियो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 20वां पेज में जाते हैं, 20वां पेज में बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है, यहाँ पे फीस की बात करी है, देख रहे हो भैया SC ST वालों PW वालों 50 रुपया फीस है मात्र, शर्ट ले भर दो इस वीडियो को देखने बाद तुरंत फॉर्म। और आपका अदर, आप 400, ये अदर कौन है जान रहे हो, OBC वाले हैं भाई, फोर अदर मतलब OBC आते हैं, भारी दुग्गा OBC वाला, मतलब देख रहे हो, 400 रुपये एप्लीकेशन फी, इन्विटेशन चार्ज 50, टोटल 450 रुपया है भाई फीस। लेकिन कोई बात नहीं, जॉब्स आपका सरकारी मिल जाती है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये 450 कुछ नहीं है, OBC वाले ज़रूर डालें, तब मस्त दबा के तैयारी करें, मेरे चैनल के साथ अपडेट के लिए बने रहें, तो आपका सिलेक्शन होना फिक्स है भाई, ठीक है। ये सब चीज़ बातें हैं और बहुत सारी है, तो PDF 32 पेज का है, आप आराम से इसको जाके अपने ऑफिशियल वेबसाइट में पढ़ सकते हो। मेन मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसे कैजुअली बात करके मैं आपको अब सारे अपडेट्स बताऊंगा, हर नए अपडेट्स, नए जॉब के और नए नए अपडेट्स आप मेरी कृषि 4G चैनल में, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल फील्ड में भी कैमरा को लेके उतरूंगा, ये सारी तरह की वीडियो आपको मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा मैं, और आपको इस तरह से कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा भी, और जॉब का वैकेंसी का जानकारी भी दूंगा। तो चैनल को पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक करके जाइए, मैं बताने वाला, कहने वाला कुलदीप कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।